गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। क्या हो गया भाई? ये बैकग्राउंड में राम 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 राम। ओहो, किस तरफ निकल रहे हो? हम जी डिब्रूगढ़ जा रहे हैं। डिब्रूगढ़? हम भी डिब्रूगढ़ जा रहे हैं। मतलब आप भी डिब्रूगढ़ जा रहे हो, ठीक है। डिब्रूगढ़ हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें पहुँचना है असम बहुत जल्दी दिवाली के लिए, है ना भाई साहब? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दिवाली में क्या प्लान है? वो छोटा एप्पल, छोटा नहीं बड़ा एप्पल होता है ना, वो कुछ गिफ्ट लेने वाले हैं। ये नहीं बताना है अभी। ओह सॉरी, कटा हुआ एप्पल लेने वाले हैं। मैंने हिंट दिया ओनली। ओके। और भाई साहब सुबह सुबह सब लोग चॉकलेट वॉकलेट खा रहे हैं मस्त। और हम कुछ नहीं ले लिए पूरे। अरे बाप रे, आज अपने छोटे भाई मिलेंगे ना, मुझे पता है रास्ते में मिलेंगे सभी, वो एक एक देने करे बाबा। पहले हमने छोटे सबसे छोटे वाले बच्चे को दे दिया है। ओह, सामान पैक करते हैं फिर खाने जाते हैं और फिर चलते हैं। ओह यार मेरा यार कोई मैनर नहीं है यार। तो लोअर सुखाने में क्या दिक्कत है? गाड़ियों में कच्चे सुखाए आ रहे हैं भाई। कच्चे लोअर है ये देखो इधर क्या। ओहो, ये सब नहीं देखने का है, नहीं देखने का। माऊ 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 मियाऊ मियाऊ। वाह जी वाह, आज तो हमें अरुणाचल में माँ के हाथ बने हुए पराठे मिल गए। मतलब माँ के हाथ नहीं, माँ के स्टाइल वाले पराठे। वाह वाह, ये पराठे ना ट्रायंगल शेप में ना दादी बनाती थी मेरी। और दाल बस यहाँ पे ना वो नहीं है, कहते हैं पराठे के साथ जो अपना वो होता है ना दही, हाँ नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं खाते है। और वैसे तो दोस्तों ये हमारा आज लास्ट डे अरुणाचल में, लेकिन इसके बाद हम और कुछ तगड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो आगे वीडियो आने वालों में पता चल जाएगा। उससे पहले दिवाली मस्त वाली बनाने वाले हैं। सो यहाँ आ चुकी अपनी तिब्बतन स्टाइल की टी। पराठे के साथ दूध चाय, और ये पता है अपनी गाय का दूध का चाय है, बढ़िया वाला। मतलब आज हम पैकेट वाला दूध नहीं पी रहे। अरे वाह, बड़े दिनों बाद ये खुशी मिली है, बड़े दिन बाद। दोस्तों टाइम हो चुका निकलने का। निकलने से पहले पहले मैं एक बात बता दूं आपको, कल रात में हम सभी मरने वाले थे। मतलब मैं अकेला पहले मरता, फिर बाकी सभी मर जाते क्यों आग लग जाती। टेंट के अंदर था हमारा सिलेंडर, सिलेंडर से निकल रही थी गैस, और गैस निकलते निकलते मुझे पता नहीं चला रात को घुटन होने लगी, और मुझे पता लगा कि भाई साहब मरने का लास्ट वक्त आ गया। हर गलती से किसी ने बातचीत चला दी तो मर जाएंगे। सही बात है, सही बात है। हम निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं, और मैं बन गया हूँ मतलब ऑरेंज वाला, इनका पिंक वाला चला गया। पिंक वाला टेंट के साथ ही चला गया है ना भाई जी? ध्यान कर दिया हमने। ये तो गया क्या, आईफोन का बिल चला गया, और क्या क्या गया, पावर बैंक गया, केबल गई, पता नहीं क्या क्या गया अगले का। और भाई जी आपका? मेरा तो अभी तक कुछ नहीं गया, उसी टेंट के अंदर ये सब पड़ा था। मेरा बैग पूरा था, बैग का अंदर सब था, पार्स पैसे वैसे बाहर निकाल के फेंक गया। ये चीज समझ में नहीं आई, हाँ। इनका सामान क्यों छोड़ गया भाई? और खाली इनका ही सामान लेके गया भाई का। कोई ना कोई चक्कर है, दया चेक करो। अभी आसाम शुरू भी नहीं हुआ और ये खूबसूरती देख लो टी गार्डन्स की। अरे बाप रे, कितना खूबसूरत है ना, बहुत ज्यादा ही खूबसूरती है टी गार्डन की यहाँ पर। जन्म लेता हूँ इस वक्त मैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही, आसाम से बस थोड़ा सा ही दूर रह गए, मुश्किल से 40 किलोमीटर के बाद आसाम स्टार्ट हो जाएगा। पर खुशबू टी गार्डन की बिल्कुल अलग ही है यार। चलते हैं दोस्तों के पास आगे। तो यहाँ से दोस्तों रोड अच्छी स्टार्ट हो चुकी है, और अब यहाँ से पूरा आसाम तक रोड अच्छी है। हमने जो ये रूट पकड़ा है ना, ये पूरा रूट अच्छा है। एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इस रूट का, तो देख लेना आप। और जो जिस रूट से हम आए थे वो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल ट्रैवल था, जो किसी ने नहीं किया तो करना था हमें, इसलिए अब आज रोड अच्छी है। हमें सीधा दिवाली के लिए जल्दी पहुँचना है, अच्छी मिलेगी। ना तेरे बिना दिल दा।
देखते हैं गाइड से बाहर हो गई गाइड देखते हैं चोट लगा आर्मी की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, पर वो गरीब इंसान था, आर्मी ने हेल्प भी कर दी उन्हें और मेडिकल सपोर्ट निकाल लिया था उन्होंने तुरंत, और उनके पास कोई बंदा होगा जो मेडिकल इलाज कर देगा उसका, तो वो ले भी जा चुके हैं उसे, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, पर ओवरटेक करते समय गाड़ी टच हो गई, ब्रेक नहीं लगे गाड़ी के, और हाँ उन्होंने उसे बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी खुद ठोक दी क्योंकि दीवार की तरफ ले गए ना पूरी गाड़ी अपनी, तब भी हल्की सी टच हो गई वो ठेले पे। तो दोस्तों शकल और तोते शरीर और सब कुछ इसका हाल बुरा है, और टुई का हाल तो बहुत ही बुरा है। ये हाथ देखिए जरा, ये कारण पता है क्या है, 150 किलोमीटर लगातार गाड़ी चली है, 2 घंटे के अंदर 150 किलोमीटर कवर कर दिया, रोड काफी जगह पे टूटी, काफी जगह पे सही, और काफी जगह पे धूल मिट्टी खाते खाते आ गए हैं। डिब्रूगढ़ पहुंचने वाले सिर्फ 50 किलोमीटर बचा है, और जो हमारे महाशेर जी है ना उनके पास तो इंजन अच्छा है 200 सीसी का, बहुत दौड़ाते हुए पहुंच गए आगे, डिब्रूगढ़ पहुंच गए, पहुंच जाएगा हमसे बहुत पहले पहुंच जाएगा, और भाई साहब के पास छोटी गाड़ी है और हमारे पास धन्नो है, हम प्यार से चलाते भाई अपनी धन्नो को, हम नहीं देते प्रेशर इसको ज्यादा, हम 60 से ऊपर नहीं जाएंगे, है कि नहीं भाई, चलते हैं हम भी पहुंचते हैं आराम आराम से, ज्यादा से पौन घंटे में हम भी पहुंच जाएंगे। ओ भाई साहब कहाँ थे तुम? मैं तिनसुकिया शहर में फंस चुका था। तिनसुकिया शहर में तुम लोग बाईपास से आए हो जल्दी पहुंच जाते। अच्छा, अरे तुम्हारे पास है भूसा है भाई है? हमारी गरीब वाली गाड़ी है, ये भी जब ट्रैफिक आता है गरीब हो जाती है। चलो अब कहाँ जाना है, रुको यार सुबह से गाड़ी चला रहे हैं भाई, 200 किलोमीटर हो गए, 3 घंटे बाद चलाएगा तो चला तो रहे। अरे डिब्रूगढ़ क्रॉस करना है, सिटी में थोड़ा रुकना है। सो टाइम आ चुका सब्जियां लेने का, कल से अभी तक सब्जियां नहीं ली थी, आज सब्जियां लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं मस्त, हालांकि खाना तो सस्ता मिलता है यहाँ पे लेकिन अपना बनाने का तो मजा ही अलग है, सात भाइयों के बैठ के मजे करने का बात ही अलग है, सात भाइयों के बैठ के खाना बनाने का बात ही अलग है। अभी आंटी लोग सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं, आंटी लोग कभी अंकल बन जाता हूँ कभी आंटी बन जाता हूँ, भाई साहब बता दो, तो ऑलराउंडर है भाई हमारे लिए, सामान बन गया, चलो ठीक है। इतना बड़ा सन तो मैंने कभी नहीं देखा यार, काफी बड़ा है। इसकी जस्ट अभी डेथ हुई है, लगभग ये समझ सकते हो कि 2-4 घंटे पहले ही, लेकिन 2-4 घंटे में बहुत गाड़ियां निकली होंगी, जैसा देख सकते हो बहुत बिजी रोड है ये। किसी का भी मन नहीं किया ऐसे हटाने का, पहले हम हटा देते हैं फिर बात करते हैं। दिल से बुरा लगता है यार, इतना ज्यादा बिजी कैसे हो सकता है कोई, इसे उठा के सिर्फ साइड नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं और कितने डॉग्स को मैं देखूंगा अपनी लाइफ में। और ऐसा है कुछ, आज रात का सोना अपना, हम एक कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर आ चुके हैं, ये घर बन रहा है नया नया अभी, ठीक है, और हमें सोने के लिए यहाँ पे जगह मिल गई, किस्मत होती है यार, पता नहीं कहाँ कहाँ लिखवा रखी है हमने अपनी, कहाँ कहाँ पे सोएंगे, कौन सी नई जगह ढूंढेंगे और वहाँ नई जिंदगी जियेंगे, पर आज रात को बहुत कष्ट झेलना पड़ा, 8:30 बज चुके हैं, अब जाके जगह मिली है, और कम से कम 1.5 घंटे से हम जगह ढूंढ रहे थे, कभी ये नहीं पसंद आ रही, कभी वो पसंद नहीं आ रही, फाइनली अपन को एक जगह मिली है जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुकी है, कहते हैं ना जब ज़्यादा कष्ट लेते हैं ना हम तो उससे ज़्यादा अच्छी जगह मिलती है, ज़्यादा अच्छी जगह मिल चुकी है अपन को, लाइट की सबकी चीज़ की फैसिलिटी है, सुबह आराम से उठेंगे, जल्दी नहीं उठेंगे आज, ठीक है,
और अभी हमें खाना भी बनाना है। मैंने फ्रांसीन की फलियाँ भी ले ली थी और भाइयों के लिए सामान भी ले लिया था खाने के लिए, बनाने के लिए सब्जियाँ भी ले ली थी। तो बनाते हैं और मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि हमें सीधा गुवाहाटी पहुँचना है जल्दी से जल्दी दिवाली बनाने के लिए, और अपन को ना नई ट्रिप से पहले पहले अपने सारी चीज़ें सही करनी है ताकि आगे ट्रिप में दिक्कत ना आए, मेघालय की ट्रिप में मज़े आए अच्छे तरीके। तो मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।